नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हुए हमले की कड़ी निंदा कई नेताओं ने की। नेताओं ने पार्टी लाइन से हटकर इस हमले की निंदा की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अमीर ने इस घटना की निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही है। पुलवामा में जो ब्लास्ट हुआ है और आईडी ब्लास्ट में हमारे देश के हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, इन सीआरपीएफ के जवानों की बड़ी बहादुरी साथ में वो वहाँ पर आतंकियों से लड़ रहे हैं और ये जानकर ही इस तरीके का डरपोक हमला किया गया है और इस आईडी ब्लास्ट में हमारे जवानों को जो शहादत मिली है, ये देश का हर नागरिक इसको भूलेगा नहीं। देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है, लेकिन इतना कहकर भी हम सरकार खामोश बैठने वाली नहीं है। ये बहुत दुखद है, हम लोगों को चैलेंज के रूप में हम इसको देखते हैं और इस घटना का हिसाब चुकता होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सीआरपीएफ पर हुए हमले को कायरतापूर्ण हमला बताया है। मैं इस सारी घटना की निंदा करता हूं और जितने भी हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा देश ऐसी दुख की घड़ी में एकजुट होकर के पाकिस्तान जो जिस प्रकार की साजिशें कर रहा है उनको मुंह जोड़ जवाब देने की परिस्थिति में है, उसमें एकता का वो प्रदर्शन करे। और उसके साथ साथ में मैं अनुभव करता हूं कि जो घटना घटित हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत कायरतापूर्ण घटना घटी है और ऐसी घटना से जो है स्वाभाविक रूप से हम सब लोग जो है विचलित हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पुलवामा में जो हमला हुआ है जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, बड़ी ही कायरतापूर्ण इस प्रकार का यह हमला है और भारत इसका करारा जवाब देगा। मुझे विश्वास है कि ऐसे जिस प्रकार से हमला करने वाले हैं इनको बख्शा नहीं जाएगा और हमारी सेना और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस निश्चित रूप से उनको इसका करारा जवाब देंगे। हम इस हमले की भर्त्सना करते हैं और हमारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी जम्मू कश्मीर में कई जवानों की मौत पर अपनी संवेदना जाहिर की। ये जो आज घटना हुई है ये भी इसी कारण हुई है, हताशा के परिणाम स्वरूप, क्योंकि आतंकियों के ऊपर इतना ज्यादा दबाव है, दे आर ऑन द रन, और इसलिए ये हुआ है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कश्मीर में आतंकवाद का आखिरी चरण है, लास्ट चैप्टर। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है और मारे गए जवानों के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है। बहुत ही बुरा अटैक रहा है ये और इसको अल्फाज नहीं है मेरे पास टू कंडेम इट, क्योंकि ऐसी हालत में जहां इतने सारे लोग एकदम से जिनको जो शहीद किए जाएं और उनकी फैमिलीज का क्या हाल होगा, उनकी फैमिलीज पे जो इस वक्त जो उनकी फैमिलीज के ऊपर एक तूफान आ गया है, कैसे संभालेंगे इसको। मैं उम्मीद करती हूं कि न सिर्फ मरकजी सरकार बल्कि तमाम जो मुल्क की हमारी जमातें हैं सब मिलके इस मसले का कोई हल निकालें ताकि ये खून खराबा हमेशा के लिए बंद हो जाए। इस घटना की जितनी निंदा की जाए, पूरे देशवासियों को इसकी निंदा करनी चाहिए, पूरी कश्मीर घाटी के और जम्मू कश्मीर के लोगों को इस घटना की निंदा करनी चाहिए। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इस तरह की घटना उन नौजवानों के साथ हो जो अपने घर बार छोड़कर, अपने परिवार छोड़कर देश की सेवा के लिए कश्मीर में आते हैं और आतंकवाद को खत्म करने के लिए आते हैं।